अब दरबार में अपने में विराजमान है राजा भीष्मक, वहां से लीला का दर्शन करेंगे। क्यों रे? आज तो चांदाल खोपड़ी के हाथ लग गए। कहाँ जा रहा है? कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी कहीं छिपता है, कभी कहीं छिपता है, और ये सामग्री लेके कहाँ जा रहा है? क्या चुरा के ले जा रहा है? देखो जरा इसको, देखो उसमें क्या है, क्या चुरा के ले जा रहा है? कहाँ जा रहा है? देखा क्या है? अरे कुछ नहीं है, बच्चों के लिए भोजन ले रहा जा रहा हूँ। भोजन ले जा रहा है, स्कूल में पढ़ने गए। नहीं बताएगा? बता रहा हूँ। चुरा के लाया है? कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा है? मुझे तो मालूम ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। मालूम है नहीं, और इधर उधर घूमता फिरता कहाँ जा रहा है? कहीं तो जा रहा है, दुकान बंद है तेरी, आज कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं जा रहा। कहीं तो जा रहा है भाई, मुझे मालूम ही नहीं है कहाँ जा रहा है। मुझे मैं सरकार में वहां जा रहा हूँ, वहां 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 कोई पूरी 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 कहाँ जा रहा है? जगन्नाथपुरी? अरे जगन्नाथपुरी में तो मैं, वहां तो मेरी ससुराल है, तो मेरे 50 साल हो गए, वहां क्या करूंगा जाके? तो अवंतकापुरी? अवंतकापुरी में तो मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वहां क्या करूंगा जाके? तो कहाँ? बिचपुरी जा रहा है? अरे बिचपुरी में क्या मरने जा रहा है? तो कहाँ? मैनपुरी? मैनपुरी में क्या मैनपुरी खा के मरूंगा? अरे तो कहाँ? मथुरापुरी जा रहा है? मथुरापुरी में क्या मुझे कंस की तरह मरना है? ऐसा कहीं नहीं, तू द्वारका जा रहा है, द्वारकापुरी जा रहा है, वही पुरी 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 द्वारकापुरी जा रहा है? द्वारकापुरी नहीं, तो सागपुरी? क्यों जा रहा है द्वारका? क्यों जा रहा है द्वारका? घूमने जा रहा हूँ। घूमने जा रहा है और क्या? घूमने और क्या? तेरे बाप दादे कभी द्वारकापुरी घूमने गए हैं? कुंडलपुर को छोड़ के? नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा, 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 बताऊंगा। इस भैंस के पाप को दर कीजिए, बता रहा हूँ। अब मेरी इज्जत कर गई, उठा के ला मंत्री, जल्दी ला, वो नीचे गिर पड़ी। दिखा जल्दी कहाँ जा रहा है? ला, बदबू फैल गई इसमें, छोड़ छोड़, पहले तुम तो खाने दे। नहीं बताएगा तू? बता रहा हूँ, सेंट की खुशबू उड़ गई। सरकार? हाँ हाँ, वो है ना, वो कौन? वो कौन? वो आप, आपके वो कौन? अरे वही कौन? वो आपके बाप। हाँ, वो आप। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। सरकार, सरकार, इस मंत्री जी को रोक लीजिए। हमारे बाप है, हम कौन है तुम्हारे? आप हमारे बाप है। वो है ना, वो क्यों जा रहा है बता? बड़े सरकार, हाँ वो ये टीका लेके भेज रहे हैं। टीका लेके? किसका टीका? तुम्हारी बहन का। किसके लिए? वो है ना, वो जो है क्या, जो कौन है वो? कौन है जो वो क्या है? अरे वही कौन? अरे वो वहाँ जो रहते हैं काले काले, वो कालिया कृष्ण? वही 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 वही। तो ये टीका किसके लेके जा रहे हो? उन्हीं के लिए ले जा। तेरे प्राण ले लूंगा, यही दोबारा नाम दिया उस कालिया का, समझा? ये रख यहाँ से और निकल यहाँ से, जल्दी निकल। मेरी दक्षिणा तो दे दो, दक्षिणा इसको, दक्षिणा दो, दो दक्षिणा इसको। और सुन, तेरा पैर घर इस राज से बाहर निकला ना, राज की सीमा से, तो वही गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा तुझे। ये रख इसको, दे मंत्री को। गड्ढा खोद के मत गाड़ना। क्यों? गड्ढा खोद के गाड़ोगे तो मैं पेड़ बन जाऊंगा। हाँ, उस पेड़ में जो कोई फल खाएगा वो मर जाएगा। ये दो इसको, दो भाग जाए यहाँ से। आज तो देखिए शेर की बगल बगल कुत्ता खड़ा हो जाए तो वो भी शेर बनता है। भाग। ये क्या? हमारे बिना पूछे ही हमारे पिताश्री ने हमारी बहन का विवाह, उसकी लगन पत्र का, उसका टीका लेकर के द्वारकानाथ के समक्ष भेज दिया। वो है कौन? कालिया चोर कहीं का? वो हमारी बहन के योग हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलो सभा भवन। पिताजी प्रणाम। ये हम क्या सुन रहे हैं?
आज आपने सभा भवन में हमसे बिना पूछे और उस कालिया कृष्ण के लिए हमारी बहन का टीका भेज दिया। क्या समझ करके भेजा आपने? क्या है उस कालिया के अंदर? डरपोक कहीं का जरासंध के आगे दुम दबा करके भाग गया। रात ही रात में यहाँ द्वारकापुरी में आकर के रहने लगा। मथुरा में कंस को मार दिया, वहां से पूरा सोना चांदी सब इकट्ठा किया, ये द्वारकापुरी बना ली। कालियावन के सामने भी भाग गया। डरपोक कहीं का जिसके माँ का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, जिसकी जाति का पता नहीं, जिसकी बात का पता नहीं, उसके लिए, उस कायर के लिए, उस डरपोक के लिए आपने हमारी फूल सी सकुमारी बहन का टीका भेजा है। क्या समझ करके भेजा है? क्या इस दुनिया में, क्या इस पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं है, कोई वीर नहीं बचा है? अरे भेजना था तो चंदेरी नरेश शिषपाल के लिए भेज दे, जो कि रूपवान है, गुणवान है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है। ऐसा राजा कोई दूसरा देखने को मिलता है क्या? क्या है उस कृष्ण में? पुत्र रुकम, और कुछ कहना चाहते हो तुम? तुमने क्या कहा, किसके लिए भेजू टीका? शिषपाल, चंदेरी नरेश शिषपाल। पुत्र, वो चंदेरी का शिषपाल ना कृष्ण के हम सर होगा, जोर में, जुर्रत में, हर बात में वो कम होगा। और फिर ना कुछ अनुचित किया मैंने, दी भेज सगाई मैंने, अरे सियानी हो गई थी सुता, क्या की बुराई मैंने। फिर ऐब क्या है श्री कृष्ण में? क्या ऐब है? कौन सा नहीं है? मानता हूँ उनको ग्वालों ने पाला जरूर है, लेकिन वो ये क्षत्रिय है। ऐब क्या है श्री कृष्ण में? जो न करे ब्याह ऐ कुमार, कौन है उनसे बढ़कर कर हमें आगाह कुमार? जिस शिषपाल की तुम बात करते हो, उस शिषपाल श्री कृष्ण के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो तुच्छ है बेटा, कुछ नहीं है वो। कुछ नहीं है आपके कहने से? कुछ नहीं है, आपने तो अपनी आंखों पर एक ही चश्मा चढ़ा रखा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अरे क्या है उस कालिया में? मुझे एक गुण तो बता दो उसके अंदर, जो कहीं से वो हमारी बहन के योग्य दिखता है। जरा देखो शिषपाल को, क्या नहीं है आज उसके पास? ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा सुख है संसार का जो शिषपाल के पास नहीं है? क्या है उस कालिया में, डरपोक में? बेटा रुकम, हमने जो उचित समझा वो किया, मानता हूँ तुम उसके भाई हो, बड़े भाई हो, तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि अपनी बहन के लिए से योग्य वर चुना जाए। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम करो, मैं शिषपाल के लिए विवाह करने के लिए तैयार नहीं। नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपना राज चलाइए, प्रजा को देखिए, परिवार को देखिए, बहन की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, उसकी चिंता मैं करूंगा। जहाँ मुझे योग्य वर दिखेगा उसी के साथ रुक्मणी का विवाह होगा, ये मेरा फैसला है। तो ठीक है, चलाइए अपने मन की बात, तुम अपने मन की करना चाहते हो तो करो, लेकिन एक बात याद रखना रुकम, इसमें तुमको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, अंत में तुमको पछताना होगा। मैं यहाँ से आगे कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, आप राजकार करिए। सेवक, उस नाई को बुलाओ। कहाँ भाग गया वो, बुलाओ उसको। अरे भाई नाई, अरे युवराज बुला रहे हैं, युवराज बुला रहे हैं, युवराज। कौन बुला रहे हैं? यमराज। यमराज के पास अभी से क्यों भेजते हो? अरे यमराज नहीं, युवराज, राजकुमार। युवराज मेरे लिए तो साक्षात है यमराज। जाता हूँ, जाता हूँ। प्रणाम करना है हाथ जोड़ के। सरकार, सरकार प्रणाम। प्रसन्न रहो। कहिए माई बाप, सरकार किस लिए बुलाया है? कहाँ भाग गया था तू? आपकी दाढ़ी मूंछ बनानी है क्या? कटिंग होगी? कौन सी कटिंग करूं बोलिए? कौन सी आती है तुझे? गांधी कटिंग। ये कहां से सीख के आता है पता नहीं। सुन, पत्रिका लेके जानी है, जो टीका वहां लेके जा रहा था ना द्वारका, अब द्वारका लेके नहीं जाना है, अब चंदेरी लेके जाना है। हमारे मित्र, एक दुल्हन और दो दूल्हा। किसने कहा दो दूल्हा? अभी तो कह रहे उधर शिषपाल के लिए, उधर द्वारका। नहीं नहीं, वो कालिया के लिए।
वो कहीं से योग्य दिखता है तुम्हें? चंदेरी नरेश शिशुपाल हमारा प्रिय मित्र, उसके समक्ष टीका लेकर के जाओ हमारी बहन। दोनों आ गए तो कैसे आ जाएंगे? द्वारकाधीश आ गए, उधर से वो आ गया। अरे तो उसको समझाना ना जाकर के, उसको बोल देना कि पिताजी की इच्छा उस कालिया कृष्ण के साथ विवाह करने की है, लेकिन आपके मित्र यानी हमारी इच्छा चंदेरी नरेश शिशुपाल के साथ विवाह करने की है। तो वहाँ से अच्छा सा सज धज के सेना वेना लेके तैयारी के साथ आए थोड़ा। हाँ, कहीं युद्ध होने लगा तो फिर यो भी देखा जाएगा। सज धज के सेना वेना लेके सब गाजे बाजे से युद्ध हो सकता है, पूरा हो सकता है। हाँ, शिशुपाल युद्ध के लिए आए। हाँ, और उसका काम तमाम हो जाए। जब देखेगा अशुभ ही बोलेगा। वो नहीं कह रहा हूँ, सब बोला कर कभी कभी। तो जाओ और सुन। अरे जरा इनको पंडित जी को ले जाओ साहब, थोड़ा ध्यान रखना रास्ते में, ठीक है ना? चलिए चलिए चलिए। हाँ ले जाओ, जाओ ले चल दिए हैं नाई पंडित जी को साथ लेकर के ना। अरे दूसरे गांव में जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो लोग आप क्या कहेंगे? हाँ, वहाँ क्या नाई मर गए? हाँ, जो पंडित जी के बाल भी नहीं बनाए, नहीं बनाए, बाल बना के ले जाएंगे आपको, अच्छा बना। हाँ हाँ, बनाइए बनाइए, जिससे कि हमारी नाक ऊंची हो जाए। लाइए। अरे क्या बताऊं, अरे क्या कर रहे हैं सब? देखिए पंडित जी, ऐसा है आजकल के ग्राहक बड़े ईमानदार हैं, बिल्कुल दाढ़ी बनवा देते हैं और पैसा देने के नाम चुपके से भाग जाते हैं। भाई हम पैसा देके जाएंगे, भागेंगे नहीं। मुझे मुझे आदत बनी हुई है ना। लाइए, चलिए बाल बनाऊंगा। कैसी हजामत बनाऊं? हजामत बताओ। और ऐसी हजामत सरकार करूं, और ऐसी हजामत सरकार करूं, तन पे ना कोई बाल रहे। ऐसी हजामत सरकार करूं, सर पे ना कोई बाल रहे। और बाल की तो बात छोड़ो, तन पे ना खाल रहे। और बाल की तो बात छोड़ो, तन पे ना खाल रहे। शादी का जंजाल रहे, सर पे ना बाल रहे। जंजाल रहे, सर पे ना बाल रहे। ओहो क्या बात है, ये क्या कर रहा है तू? ये सरकार लग रही है, ये सरकार बालों को नरम करने के लिए फुर्री लगा रहा हूँ। क्या कर रहा है? सही जगह फुहारा नहीं लाया है? फुहारा क्या कर रहा है? पंडित जी, मैं दो प्रकार की दाढ़ी बनाता हूँ। कैसी कैसी? एक दाढ़ी तो ऐसी बनाता हूँ जो 6 महीने में आती है। अच्छा, और एक दाढ़ी ऐसी बनाता हूँ जो जिंदगी में कभी नहीं आती है। वही बना दे जो जिंदगी में नहीं आए, तेरे पास आते आते परेशान हो गए। कहाँ है तेरा उस तरह कैंची? निकाल सब। निकाल। ये क्या है? ये बुर्स है। हमको दिखा आगे क्या है? ये देखिए ना, इतना बड़ा बुर्स है तेरा। ये यहाँ का नहीं है, ये विदेश से आया, अमेरिका से। अमेरिका से? चल कर कर कर। पानी, अरे भाई पानी तो कम रह गया। अरे भाई ये बता, ए नाई के आगे आओ आगे। अरे फुहारा कितना मार रहे हो, पूरी सर्दी बैठ जाएगी। लगाइए लगाइए। ए ए ए रुक रुक रुक, क्या कर रहा है तेरा उतरा बड़ा लग रहा? ये 6 महीने वाला है, इससे 6 महीने के बाद में दाढ़ी आएगी। नहीं नहीं, साल भर वाली बना, कभी नहीं आए। जल्दी बना दे, चल ना। सुन सुन सुन, इधर दिखा पहले क्या। कलाई काटेगा,
बाल काट बाल ले काट ले चुटिया नीचे कर। अरे नहीं नहीं, अरे तुम्हारे घर में आग लग गई, जल्दी जाओ, आग लग गई, आग लग गई। अरे बुझ गई बुझ गई, कोई बात नहीं है। तूने अभी कहाँ जा रहा था? तुम तो दिल के कमजोर हो, तुम नहीं ले जाऊंगा, अभी दौड़ा पड़ गया था। एक काम करो, अपने बाप को बुलाओ। बाप को? पिताजी 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 आ जाइए, आ जाइए पिताजी, आ जाइए पिताजी, आ जाइए। सिपाही ने मुझे मारा है। और इधर सिस्पार बैठे हुए हैं अपने दरबार में। प्रणाम, प्रसन्न रहिए। क्या बात है? हम कहाँ आ गए? कहाँ गए? चंदेरी आ गए और कहाँ गए? ये किसके महल हैं? चंदेरी नरेश सिसपाल के महल हैं। ऐसे ही महल होते हैं क्या? क्यों, क्या बात है? ऐसे ये महल, इसमें तो मेरी गाय बनती है। हाँ भाई, बहुत पैसे वाला है नहीं तू तो। अच्छा, तेरी दुकान तो फूटी हुई पड़ी है। सेवक द्वारे पर जाकर के देखो कि कौन आया है। महाराज की जय हो। कौन है रे? सुनिए सरकार, हम वहां से आए हैं। कहां से? कहां से आए पंडित जी? तुझे नहीं पता? मैं तो भूल गया। दोबारा ध्यान कर, महाराज भीष्मक के यहाँ से। हम कुंदनपुर से आए हैं। कुंदनपुर से? एक ब्राह्मण है और एक नाई है। ब्राह्मण का यहाँ आना सख्त मना है, क्योंकि जानता नहीं, क्योंकि ब्राह्मण मेरी कारागार में बंद पड़े हैं। ये ब्राह्मण मेरे प्रतिनिधि है, इसलिए ब्राह्मण नहीं आ सकता। पर तुमने बताया कहाँ से? तुम्हारे मित्र के यहाँ से आए हैं ना। ओ हो, हमारे मित्र रुक्मी ने भेजा है। हम एक ब्राह्मण एक नाई। तू ब्राह्मण है? जी मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध। शुद्ध? हाँ, मिलावट नहीं है मुझमें। तेरा गोत्र क्या है? मेरा गोत्र है कैंची। ओहो, कौन सा ब्राह्मण है? पंडित जी कौन से ब्राह्मण है? हम आप भारद्वाज उपाध्याय। भारद्वाज? अच्छा, निकास उधमबाज। अरे भाई उधमबाज नहीं हूँ, उपाध्याय। उपाध्याय भारद्वाज। अच्छा, निकास कहाँ से है? पेटी में से। ओह, समझ गए समझ गए। गोत हमारा उस्त्रा। अच्छा, और साका हमारी नहना। अच्छा, तो तू यानी कि नाई है? नहीं नहीं नहीं, नाई तो बाहर खड़े हैं, हम तो बुलाओ ब्राह्मण को यहाँ। महाराज की जय हो। आओ आओ ब्राह्मण देव, आओ, आप हमारे मित्र के यहाँ से आए हैं। जी, आसन ग्रहण करो, पंडित को आसन दो। कहिए कहिए पंडित। आओ आओ ब्राह्मण देव, आओ, कहिए आपका हमारे यहाँ आना किस कारण को लेकर के हुआ है, हम जानना चाहते हैं। हे महाराज, आपके जो मित्र हैं रुकम, वह अपनी बहन का टीका कर रहे हैं, तो आपका तलक करने के लिए हम लोगों को यहाँ भेजा है। वो, 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 वो। आप उनका रास्ता स्वीकार करें। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हमारे मित्र ने हमारे विषय में ऐसा सोचा है कि वह अपनी बहन का विवाह इस चमेरी नरेश सिसपाल के साथ में करना चाहता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं,
भाई के जी पंडित जी वो सिक्का और नारियल लाओ अभी देता हूँ पंडित जी इधर आइए थोड़ा सा इधर आइए इधर आइए एक बात बताइए मुझे आप ये चुपचाप की बात है पूछो पूछो इन्हीं का रिश्ता करना है क्या हाँ इन्हीं का रिश्ता करने के लिए आए हैं हम द्वारकाधीश के सामने तो ये कुछ भी नहीं है क्यों अरे आपने द्वारकाधीश को देखा है कितने सुंदर है हमारे द्वारकाधीश ऐसे हैं जैसे एक हंस का बच्चा और ये कैसे हैं ये ऐसे लग रहे जैसे लंगूर बंदर और द्वारकाधीश कैसे हैं उनके दंतावली कैसी है उनके दान कैसे हैं बताइए जैसे दाने अनार के और इनके दांत ऐसे हैं जैसे भाटा दीवार के hey, hey, hey. मोटे मोटे और जो द्वारकाधीश हैं उनकी नाक कैसी है कैसी है तोते जैसी मुड़ी हुई सुआ सारी और इनकी नाक कैसी है जैसे हर की पनिहारी जैसे रात में कोई केला पड़ा हुआ हो उसमें से कोई बाहर निकल जाए आधा केला इधर आधा इधर बीच में केवल छिलका छिलका रह जाता है ऐसी नाक लग रही है दुनाली बंदूक है क्या और सुनो जी, हमारे जो द्वारकाधीश हैं उनके नेत्र कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं मृगा मन हरनहाल जैसे मृग के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी मोटी मोटी आंखें होती हैं उस प्रकार से हैं और इनके नेत्र कैसे हैं कैसे हैं उनके नेत्र मृगामन हरणहार और इनके नेत्र ऐसे हैं जैसे दीवार में सुराख आर पार अरे राम राम क्यों रे ए नहीं ये क्या विचार चल रहा है तिलक करने में क्या विलंब है आपकी सुंदरता की बढ़ाई हो रही है तुम लाखों में वाह ब्राह्मण भी प्रशंसा कर रहा है वाह मुझ भी कितनी सुंदर है कैसे जैसे भैंसा की पूंछ होती है नहीं नारियल रखो मंत्र बोलेंगे स्वस्ति न इंद्रो व्रज स्वाहा स्वस्ति न भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्यो अर्चनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातो क्या निकालना है पहले हाथ में क्या देना है नारियल दे नारियल अरे ये क्या है थाप, 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 थाप। ये पत्थर उठा के लाया है चांदी का नारियल हाँ चांदी में मढ़ा हुआ है कुंदन, कुंदनपुर में ऐसे ही नारियल ऐसे ही बनते हैं सरकार अच्छा चल रखो से बारक स्पर्श कर ले स्पर्श कर लिए चल अब क्या देगा माला पहना दे पान खिला दे ये क्या है तिलक करते समय माला पहनाते हैं ना तिलक हो रहा है अरे ए नहीं के इधर ये क्या है ये महाराज पान है पान अरे पान लाओ पान वस्त्राभूषण कुछ लाया है नहीं लाया है क्या लाया है कर दे तिलक तू ही आई से शुरुआत कर दे ए ये कौन सी उंगली तिलक करता है तू हो गया तिलक तो महाराज आज्ञा मिले हमें ठीक है हम जा रहे हैं आप अपनी बारात को लेकर के आ जाना जा करके हमारे मित्र से कहना कि वो किसी प्रकार की चिंता ना करे हम समय पर बारात लेकर के अवश्य पहुंचेंगे और कोई खबर है क्या वो वाली बात बता दो और सुनो खबर एक और क्या आपके जो मित्र हैं वो तो आपको टीका दे रहे हैं उन्होंने आपको टीका दे दिया है लेकिन जो महाराज भीष्मक हैं वह चाहते हैं कि उनकी पुत्री रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण से होना चाहिए तो ऐसा नहीं हो आप इधर से जाएं आपकी अपनी बारात को लेकर के और द्वारकाधीश भगवान अपनी बारात को लेकर के आए और आप देखते रह जाएं क्या भाई ना यदि आप विवाह करने के लिए आए तो अपनी कमर को और खोपड़ी को पक्की करके आना क्यों कितनी बार बांधने जाए ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो द्वारकाधीश
कभी नहीं आएगा, और यदि आया भी तो ये चंदेरी नरेश सिसपाल किसी से कम नहीं है। मैं भी अपनी पूरी तैयारी करके सेना को सजा करके कुंदनपुर पहुंचूंगा, और वो द्वारकाधीश बच नहीं सकता। चलो जाओ, चलो यहीं आराम करते हैं, तो प्रात के साथ चलो। तू यहीं रुक जा। मैं यहीं रुक रहा हूँ। आप कहीं रास्ता मार्ग भटक ना जाए, इसलिए हमारे यहाँ का जो उच्च कोटि का नीच नाई है उसको यहाँ आपके साथ भेज देता हूँ। ये बहुत नीच है। दक्षिणा तो दीजिए। दक्षिणा ऐसा इधर देख, इधर दक्षिणा ये है। सुन सुन, जिस मानवी सकल देख करके मांगा कर दक्षिणा, सकल है इनकी दक्षिणा देने नहीं योग्य। ये तो बिल्कुल बेअकल है। ए सेवक, हमारी सेना से कहो, सेनापति से कहो कि वो सेना को सजा करके रखे, क्योंकि उस द्वारकाधीश से कभी भी युद्ध हो सकता है। अब हम जा रहे हैं अपनी भाभी के महलों में। 20 रुपए भूरे लाल शर्मा ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं, भगवान इन्हें प्रसन्न रखे। इधर रुक्मणी जी, भीष्मक जी ने, भीष्मक जी चाहते हैं कि द्वारकाधीश के साथ में रुक्मणी जी का विवाह हो, लेकिन रुक्मी चाहता है कि चंदेरी नरेश सिसपाल के साथ में हो। ये इधर रुक्मी कहां हो भाग्यवान? प्रसन्न रहो, कुछ खबर है राजभवन में क्या हो रहा है? पिताजी अपनी मनमानी चला रहे हैं, जिसको देखो सबका मन उस कालिया कृष्ण की ओर चला जा रहा है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्रोध क्यों कर रहे हैं? हमसे बिना पूछे हमारे पिताजी हमारी बहन का टीका उस कालिया के लिए भेजते हैं, हम क्रोध ही नहीं करें? परंतु सुनो, हमने वहाँ टीका भेजने से मना कर दिया, और हमारा परम प्रिय मित्र वह है शिशुपाल, उसके लिए टीका भेजा है। तो ध्यान रखना, आज से रुक्मणी के ऊपर आपको नजर रखनी है, कहीं जाए नहीं, किसी से मिले नहीं, कोई भी हो उसकी खबर आपको रखनी है और मुझे देनी है, ठीक है ना? ये आपकी निगरानी में होना चाहिए सारा कार्य, नहीं तो आप समझ लेना, ठीक है? उनके साथ रहना है आपको। इधर रुक्मणी जी जा रही है अपनी भाभी के पास। भी क्या सुन रही हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ में तय किया है, और मेरे भाई ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह तय किया है, परंतु मैं उस शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ करूंगी, अन्यथा अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगी। तो क्यों नहीं, सर्वप्रथम मैं भाभी के पास चलती हूँ। जा रही है भाभी के पास। सावरिया के दोसर मीने अच्छे नहीं लग रहे। क्या भाई ने कुछ कहा है तुमसे? भाभी, जो मैं सुन रही हूँ क्या ये सत्य सुन रही हूँ कि मेरे भाई उस शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह करना चाहते हैं? हाँ, कुछ भी हो शिशुपाल से ब्याह करूंगी ना है।
पान हलाहल मैं करूं दूंगी प्राण चढ़ा। भाभी जी भले ही कुछ भी हो जाए पर तो मैं उस ससुराल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। यदि मेरा विवाह कर दिया तो मैं विष पी करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। ऐसा ना कहें क्योंकि तुम्हारे भाई जो निर्णय ले चुके हैं उसको तो मैं भी नहीं बदल सकती हूँ क्योंकि मेरी उनके सामने ज्यादा चलती नहीं है। पर हाँ क्योंकि मुझे भी कष्ट हो रहा है तुम रो रही हो और जो हमारे ससुर जी हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से ही होगा। यहाँ दो निर्णय हो रही हो लेकिन अब क्या होगा। पर हाँ एक उपाय अवश्य बताऊंगी मैं। तुम्हारी जो पत्र है वह मैं लिखवाऊंगी और पंडित जी को बुला के भिजवाऊंगी द्वारकाधीश की चरणों में निवेदन करवाऊंगी। इसलिए ये गुप्त में ही रखना ये कानों कान किसी के भलक भी नहीं पड़े कि पत्र का तुमने भेजी है द्वारकाधीश के पास। इसलिए मैं पंडित जी को बुलाती हूँ। पंडित जी ये देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये आपने क्यों बुलाया है मुझे। देखो ये रुदन कर रही है और इनके आंसू बिना कहीं सब कुछ मुझे बता रहे हैं। आप तो जानते ही हैं यहाँ पर दो निर्णय हो रहे हैं विवाह के। एक तो हमारी ससुर जी ने निर्णय ले दिया है कि वह द्वारकाधीश से ही विवाह करेंगे पुत्री का और दूसरा निर्णय हमारे जो स्वामी हैं इनके भाई हैं उन्होंने निर्णय लिया है वह अपने मित्र से सुषपाल से ही विवाह कराएंगे। पर ये सुषपाल से विवाह नहीं करेगी प्राण त्याग रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पत्र का लिखेंगे। ठीक है लिखवाइए। यहाँ रुक्मणी जी ने पत्रिका लिखी है ठाकुर जी के लिए। देखिए रुक्मणी जी ने पत्रिका कितनी सुंदर लिखी है। जिनको जीवन में कभी देखा नहीं हो और आज उनके लिए पत्रिका लिख रही है। गुणान भुवन सुंदर श्रवणतामते निर्विश्चय करण रही तो ताप रूपम द्रशमताम द्रशम साम अखिलार्थ लाभ रूपम द्रशमता मखिलार्थ लाभ। द्वारकाधीश मैंने अपने श्रवणों से अवश्य सुना है अपने नेत्रों से आपके दर्शन कभी नहीं की। मैंने सुना है आप करुणावान हो आप भक्त भक्षल हो अपने भक्तों की रक्षा करते हो आप माखन चुराते हो आप माखन खाते हो। परंतु मैंने कभी अपने इन नेत्रों से नहीं देखा भगवान। भगवान जब से मैंने अपने श्रवणों से आपके बारे में सुना है मैं तब से ही आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैंने तब से ही आपको अपने मन में पति रूप स्वीकार किया है प्रभु। हे प्रभु आप यदि मेरे पास नहीं आए आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। द्वारकाधीश यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कहाँ मिलूंगा तो प्रभु मैं गौरी माँ का पूजन करने के लिए मंदिर में जाऊंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सेना लग रही है। भैया ने बहुत सेना लगा रखी है। मैं वहाँ पर गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाऊंगी और आप मुझे वहीं मिलना और मुझे वहाँ से ले जाना प्रभु। ये आपकी दासी रुक्मणी। रुक्मणी जी ने सब कुछ पत्रिका में लिख दिया और ब्राह्मण देव को सौंप दी। पंडित जी आपसे एक निवेदन अवश्य करूंगी। यह जो पत्र है यह किसी को महलों में दिखाना नहीं और गुप्त मार्ग से ही जाना। किसी को कानों कान भनक न पड़े कि यह पत्र राजकुमारी ने भेजा है।
नहीं तो मेरे भी प्राण संकट में आ जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं इस रास्ते से जाऊंगा जो कि किसी को पकड़ में भी नहीं आऊंगा, आप जाएं। ब्राह्मण ब्राह्मण देव चल दिए हैं द्वारकाधीश के समीप, और इधर द्वारकाधीश विराजमान है अपने दरबार में अपने मंत्रियों के सहित। ब्राह्मण देव जा रहे हैं द्वारकाधीश के समीप। तेरा सुंदर रूप सनोना हो अखियन में जादू टोना, तू है जादूगर सरदार, तू है जादूगर सरदार, तिहारे चरणन की बतहारी, तू है जादूगर सरदार, तिहारे दादी हो जाने की बतहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना, तू है जादूगर सरदार, तू है जादूगर सरदार, तिहारे चरणन की बलिहारी, तू है जादूगर सरदार, तिहारे चरणन की बलिहारी। द्वारकाधीश भगवान इस समय सभा में बैठे होंगे, और जहां तक भी मैंने सुना है उनके दरबार में कोई भी ब्राह्मण किसी भी समय जा सकता है, तो चलता हूँ उनके दरबार में ही चलता है। जैसे ही ब्राह्मण देव दरबार में पहुँचे, देखा है ब्राह्मण देव, ये द्वारकाधीश कृष्ण आपको प्रणाम करता है। जय हो जय हो, जैसा सुना था द्वारकाधीश को वैसा ही पाया है, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, प्रसन्न रहिए भगवान, प्रसन्न रहिए। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, भगवान मैं कुंदनपुर से आ रहा हूँ। क्या कहा? और आपके लिए ये पत्रिका लेकर के आया हूँ। कुंदनपुर के महाराज हैं भीष्मक, उनकी पुत्री है रुक्मणी। महाराज भीष्मक चाहते हैं कि वो आपके साथ में रुक्मणी का विवाह करें, और रुक्मणी भी आपसे आत्माओं से प्रेम करती है, वो भी चाहती है कि वो आपसे विवाह करे, लेकिन रुक्मणी का भाई जो रुकम है वह नहीं चाहता कि वह आपसे विवाह करे। तो उसने अपने मित्र और आपके भुआ का लड़का शिशुपाल, उसके साथ में वो रुक्मणी का विवाह करना चाहता है। तो रुक्मणी ने आपके लिए पत्र भेजा है, आप उसे स्वीकार करें, और जैसा उसने कहा है भगवान वैसा ही आप करें, क्योंकि आप तो हमेशा भक्तों को सुख देने वाले हैं, उनमें से रुक्मणी भी आपकी भक्त ही है। हे पंडित जी महाराज, मन मेरो अचित भयो, सुनत तुम्हारे बैन, देव शीघ्री पत्र का पढ़ूं जो आवे चैन, ध्वजवल मुकु प्रिय रुक्मणी अति ही भावे, कर कर बाकी याद रात में नींद ना आवे। हे पंडित जी महाराज, आप इस पत्रिका को मुझे दीजिए, लीजिए भगवान, मैं तो नहीं पढ़ सकता। याद आती है, सत्य कहा भगवान, लीजिए। हे रुक्मणी, मैं जानता हूँ आप मुझसे प्रेम करती हो, और उससे अधिक मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, परंतु मैं क्या करूँ उसमें। अरे हाँ, हे पंडित जी महाराज, कहिए प्रभु। इसमें लिखा हुआ है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो पंडित जी महाराज मैं भी रुक्मणी से प्रेम करता हूँ, और वो मिलना चाहती है,
भगवान इसमें एक बात और लिखी हुई है, आप उससे मिलेंगे कैसे? आप उससे मिलेंगे, वह अपने महलों को छोड़ करके गौरी पूजन के लिए जाएगी। तो भगवान केवल यही अवसर है और यही मौका है कि आप वहां जाकर के रुक्मणी को लेकर के आए, नहीं तो ले जाएगा वो शिशुपाल। ठीक है पंडित जी महाराज, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है भगवान, मुझे आज्ञा मिले रुक्मणी से मैं आपका संदेश कह दूंगा। ठीक है प्रणाम। अरे भैया कृष्ण कहाँ जा रहे हो भैया? दादा मैं कुछ जरूरी कार्य से जा रहा हूँ, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। अरे भैया कन्हैया कहाँ जरूरी कार्य बन गो, मुँह हुए तो कच्चू बता दे। अभी इनको मैं कैसे बताऊं कि मैं कुंदनपुर जा रहा हूँ। अरे जहाँ आप पहले जा चुके हो वहीं पर मैं जा रहा हूँ। तो बतावे हो ना कन्हैया तू? आप मत पूछो मुझसे। तो ठीक है जा कन्हैया तू। ठाकुर ने नहीं बताया लेकिन बलराम जी। कन्हैया भैया यहाँ गयो है मुकु पतो है, वहाँ शिशुपाल भी आवेगो, बड़े बड़े राजा आएंगे, अपनी सेना को लेके आएंगे, क्यों नहीं मैं अपनी सेना को लेके वहीं चलूं। बलराम जी समझ गए कि मेरे कृष्ण भी छोटे हैं, तो मैं भी उनके साथ में चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरे कृष्ण छोटे अकेले पड़ जाए, वहाँ अनेक सेना रहेगी। तो स्वयं बलराम जी भी पीछे पीछे चल दिए और इधर शिशुपाल का श्रृंगार, अब जा रहे हैं अपनी भाभी के पास दूल्हा बनने के लिए। अरे भाभी भाभी। अरे लाला जी प्रणाम भाभी। हमारी भाभी हमसे बड़ा स्नेह करती है। भाभी जी प्रणाम। अरे ये कौन आएगा तुम्हारे संग में भरपूर जाता हूं। अरे भाभी आपको भी मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आज हम अपनी सभा में बैठे हुए थे, अचानक नाई और ब्राह्मण का आगमन हुआ और हमारा जो मित्र है जो कुंदनपुर में रहता है रुक्मी, वह उसने हमारे लिए टीका भेजा है। और वो किस बात के लिए? कि उसकी बहन जो रुक्मणी है उसके साथ आपके देवर शिशुपाल का विवाह होने जा रहा है। तो ये नाई हमारे साथ हमारी बारात लेने आया है। तो भाभी आज हम दूल्हा बनेंगे, ऐसा दूल्हा बनाओ कि वहां सब देखते ही रह जाए। लाला जी मैं आपको दूल्हा बना तो दूंगी, मैंने सुना है कि वहाँ द्वारकाधीश भी तो पधार रहे हैं। अरे वो द्वारकाधीश वो कालिया वो छोरा मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं। लाला जी मैं इसलिए कह रही हूँ कहीं सेहरा बना का बनाना रह जाए। अरे भाभी कैसा अशुभ बोल रही हो है, अभी से अशुभ बोल रही हो। आ जाओ आपके नैना नैना सजाने लगे। शिशुपाल का श्रृंगार हो रहा है, भाभी श्रृंगार कर रही है। छवि लो मेरो बरी, ये पाउडर है पाउडर। अरे आप महाराज काले हैं बोरे कर रही हैं आपको। ब्याहन जाए ज्यादा कोरा नहीं कर देना भाभी जी। अब होगा। ये कौन है, ये कौन आ गई? अरे ये मेरी दासी है, दासी सुन 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 इधर। दासी ने घूंघट मार रखा है, कहिए महारानी जी इसको किससे शर्म लग रही है? अरे तू कहाँ थी? मैं तो वहाँ अंदर बर्तन साफ कर रही थी। अरे तुझे पता है लाला जी का शादी होने वाली है, छोटे सरकार विवाह करने के लिए जा रहे हैं। तैयार करवा दे आजा मेरे साथ। अच्छा विवाह करने के लिए जा रहे हैं, दूल्हा बनवा दे। दूल्हा बन रहे हैं या मुर्दा? क्या क्या ये दासी, ए दासी ये कौन सा लगा पहन के आई है? आग नहीं फोड़ देना। काजल काजल यहाँ लगता है कि आंखों में लगता है? आंखन में मोटो कजरा है, आंखन में मोटो कजरा है। अरे भाभी ये क्या है? या के शीश पे सज रहे हो? ये
अरे दिक्कत अरे ऐसा ही होता है महाराज ऐसा ही याके मुख पे सज रही हूँ नजर उतार देती हूँ नजर खुपे ये क्या है याके नजर इससे लाला जी आ जाइए भाभी हाँ लाला जी नेग किस बात का नेग आपको सुंदर बनाया है अरे भाभी नेग नेग ले लेना भागा थोड़ी जा रहा है लौट के राज्य में ही आऊंगा आगे दे दूंगा सुनिए अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है आगे ही देखना है पीछे मुड़ के नहीं देखना है नहीं तो शादी नहीं होगी अच्छा आगे ही आगे देखना है चलो ठीक है आगे ही आगे देखेंगे आगे से ही मतलब है पीछे से क्या मतलब है कस के लोग पकड़ियो रे बना भागो ही जाए बना भागो ही जाए कस के लोग पकड़ियो रे बना भागो ही जाए बना भागो ही जाए कस के लोग बना भागो ही जाए बना भागो ही जाए हर कस के लोग पकड़ियो रे बना भागो ही जाए आगे कुआं है उसमें पैर लटकाइए काहे काहे आइए आइए क्यों उसे कहना है कि मैं मर रहा हूँ कुआं में कूद के आपको गोता लगाना है अभी से अस्कुल है नहीं नहीं पैर लटकाइए पैर लटकाइए कौन सा वाला पैर सीधा सीधा वाला सीधा पैर लटकाइए अच्छा और कुआं में कूद जाइए नाक बंद करके ए नहीं के तुझे क्या पता रीति रिवाज की क्यों मैं नाई हूँ चुप आपको एक बार विवाह और आज मैं कितने विवाह कराता हूँ अच्छा और लाला जी हाँ अब आप जाओ जाए जाओ अब तो विवाह हो जाएगा ना हो जाएगा ठीक है अभी नहीं है मेरे लिए देवरानी प्यादी सिलाना चिंता ही ना करो ऐसे ही लेके आएंगे चलिए अच्छी लाला जी लाला जी ओहो एक तो समस्या ये खड़ी कर दी कि पीछे नहीं देखना है अस्गुण हो गया ये अस्गुण हो गया छीका कौन कोई नहीं ये नायिका तो नहीं छीका यही छीका इसकी नाक काटो इसकी नाक सेवक कहाँ है आपके हमारे सेवक सब घोड़ा बग्गी लेके तैयार खड़े हैं बस आपको जाके बैठना है जाइए जाइए बग्गी पे बैठिए जाइए चलिए बरात को बुलाइए चलिए चलते चलते रात्रि हो गई हाँ हो गई है ना हो गई है तो क्यों नहीं कुछ देर विश्राम कर लिया यहीं पर आज अपना तम्बू तान लेते हैं तम्बू लगाओ सेवकों से कहो ठीक है अभी बुलाते हैं सेवकों तम्बू लगाओ सेवकों तम्बू लगाओ चलिए हम विश्राम रास्ते में विश्राम करने लगे लेकिन ठाकुर जी लीला कौतुकी है द्वारकाधीश कुछ हास्य करने का मन हुआ तो आए हैं द्वारकाधीश सो रही है द्वारकाधीश ने विचार किया कि शिशुपाल रात्रि में विश्राम कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपशगुनों को हो ही रहे हैं और इनसे थोड़ा हास्य किया जाए तो क्यों नहीं इनके तंबुओं में ये शिशुपाल इस समय सो रहा है तो ये शिशुपाल का जो तंबू लगा हुआ है इसमें आग लग जाए सूर्यदेव इसमें आग लगाए आग बुझाओ बुझाओ दंकल अपने राज से चले तो अस्गुनी अस्गुन
वहाँ जब चले तू छीका, फिर बिल्ली रास्ता काट गई, अब यहाँ तम्बू में आग लग गई। पता नहीं विवाह होगा कि नहीं, ऊपर होगा क्यों नहीं, सरकार तो होगा। सरकार आपके आधे बराती जल गए, जल गए जल जाने दो, और आपका आधा मुंह जल गया, खाना हो गया। चलो अब चलो चलने की तैयारी करो, चलिए आगे आगे चलो। गणेश भगवान से कहता हूँ कि जो उनके चूहे हैं इस जमीन में मोटे मोटे गड्ढे कर दे, इससे कि इसकी बारात उन गड्ढों में गिर जाएगी। और जैसे ये कौन से मार्ग से लेकर के आया है जो कि इसमें इतने गड्ढे हो गए हैं? मालूम नहीं कैसे गड्ढे हो रहे हैं। ऊपर से समतल जमीन है, नीचे गड्ढा है, ये कैसी जमीन है? सरकार इसमें गैस की पाइप बिछाई गई है। ओ चलो अजगुल ही अजगुल हो रहे हैं पहले से। चलो चलो हमारा मित्र कहाँ है, उनको कुशल तो होना। हाँ हाँ कुशल है। मार्ग में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे मार्ग में तो परेशानी परेशानी। ये क्या हो रहा है आपका चेहरा, ये काला क्यों हो रहा है, क्या हो गया? अरे हमारे तम्बू में आग लग गई थी मार्ग में। हाँ जी आग लग गई। ऐसे कैसे लग गई, पता नहीं कैसे लग गई। अच्छा और जगह देखो, इधर भी देखो, लहू लुहान हो रहा है। अरे कोई बात, आओ मैं आधी आधी बरात तो गैल में ही समाप्त हो गई। अच्छा आधी आई है यहाँ पर तो। चलो कोई बात नहीं, जितने आए बहुत है, आओ आपकी व्यवस्था करता हूँ। हाँ व्यवस्था जन्मा से मैं। सुनिए सुनिए बफर सिस्टम कहाँ पर लगाए? गुड़शाला में लगाए तुम्हारे लिए। जाओ आओ मित्र आओ आओ। और सुनो आपने तैयारी पूरी की है ना? हमारी तैयारी तो पूरी है पर अपना भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने संदेशा भेजा। मित्रवर चिंता ही ना करो, वो कालिया जहाँ दिखे बस उसे काट ही देना है, वो आएगा नहीं यदि उसने सुन लिया कि चंदेरी नरेश शिषपाल आया है। अरे उसका कोई भरोसा नहीं है, छलिया है वो। अरे उसका उसका छल पना मैं निकालूंगा ना, और जरा सिंध को लेकर के आया हूँ। जरा सिंध को भी बोल देना थोड़ा। हाँ बोल दिया वो भी आता होगा। चलो आओ विश्राम। अरे भाग्यवान कहाँ हो, बाहर आओ। देखो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। अरे प्रसन्नता की बात है, हमारा मित्र आ चुका है, बारात आ चुकी है, आ गई बारात आ गई, इसलिए शीघ्रता से विलंब ना करते हुए रुक्मणी जी को लेकर के जाओ मंदिर में पूजा कराने के लिए। दासी दास रहेंगे, सेना भी रहेगी, लेकिन तुम्हें साथ रहना है, ठीक है ना? और कोई भी परेशानी हो तो सैनिक रहेंगे वहाँ, ध्यान रखना विशेष विशेष, इसलिए तुम्हें साथ भेजा जा रहा है। चिंता ना करें, आप बरातियों का ध्यान रखें और अपने मित्र का ध्यान रखें। जाओ जा रहे हैं, जा रही है उनकी रुक्मणी जी को साथ में लेकर के। नरन रानी नरन रानी प्रणाम। आप सिंहासन धारण कर ही लिया है, इसलिए चलो आप गौरा माँ का पूजन करने के लिए। जल्दी ओढ़ली चुनरी मैंने तेरे नाम की, मोहे प्यारी मोहे प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की, मोहे प्यारी लागे बांसुरी घनश्याम की, मोहे प्यारी बांसुरी घनश्याम की। गुलशन है महका महका फूल भी खिले, कली से भमरा मिलते देखा श्याम नाम ने। गुलशन है महका महका
हम राम लेते देखा श्याम नाम ने चादुगुल चादनी मेरे किस काम की मोहे प्यारी मोहे प्यारी मोहे प्यारी लागे बांसुरी मोहे प्यारे लागे बांसुरी घनश्याम। यहाँ माता रुक्मणी ने माता गौरी का पूजन किया है। हसी माल मूरत मुस्कानी, यहाँ माता गौरी जी की जो प्रतिमा है, माता गौरी मानो की हंस रही हो, रुक्मणी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। और जैसे ही रुक्मणी जी का रुक्मणी जी ने पूजन किया है, वही द्वारकाधीश पधारे हैं, उन्हीं द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और मंदिर में से रुक्मणी जी को लेकर के चले गए नाई, जैसे सेनानी ने कहा है द्वारकाधीश भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए। ऐसे कैसे ले गया? वो कहाँ है शिशुपाल? अरे बुला, अरे शिशुपाल कहाँ? क्या हो गया? हमने पहले ही कहा था कि वो छलिया वो कालिया जरूर आएगा, अब ले गया रुक्मणी को। अरे रुक्मणी तो मंदिर में गई थी, पकड़ो उसको, भाग चलाओ आज के बाद। बलराम जी सामने आ गए, देखा है ओहो, तो ये बलभद्र आया है। बलराम तू भी इस सभा में पधारा है, तुमने तो नहीं बताया। अरे मारूंगा और आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारा पाला इस चंद्री नरेश शिशुपाल से बड़ा है। बलराम जी देखा है, बलराम जी के पास में हर मंसर है। अरे किधर गए राजकुमार? अरे 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 वो भाग गया, तुम्हारा जीजा। कहाँ भाग गया वो? कहाँ भाग गया? अरे वो मार के भगा दिया बलराम ने। ओहो, और कालिया भाग गया? कालिया भाग गया, आपकी बहन भी गई। आपका खानदान में ऐसा ही होता है। मैं देखता हूँ कहाँ तक भाग के जाएगा कालिया चोर, अभी देखता। और आज आदमी ठाकुर जी के सामने पहुंच गया। क्यों रे कालिया, हमने सुना था तू ब्रज में केवल माखन मिश्री की चोरी करता था, अब यहाँ नया कार्य शुरू कर दिया, स्त्रियां भी चुराने लगा। आप क्या सोचते हो, जब आपकी बहन ऐसा जाती है तो इसमें हम क्या कर सकते? ठहर जा,
तूने जो कार्य किया है उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। बंदी बना लिया बंदी बना करके बंदी बना लिया और ठाकुर जी ने आज ठाकुर जी ने जैसे ही रुक्मी को मारना चाहा है उसी समय रुक्मणी जी ने आकर के पकड़ लिया। ठहरिए ना, आप ऐसा ना करें, मारे नहीं, छोड़ दीजिए। हे प्रभु, आप इसे समाप्त मत करिए, ये मेरा एक ही तो भाई है, आप इसे समाप्त कर दोगे? नहीं प्रभु, ऐसा मत करो प्रभु। हे रुक्मणी जी, आप सोच रही हैं कि इसको हमने तुम्हारी वजह से छोड़ दिया? हमने इसको तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा है, ये हमारा साला भी लगता है, इसलिए इसको छोड़ दिया। जय हो द्वारकाधीश की जय हो। अपमानित कर दिया रुक्मी, लौट करके पर अपने राज्य में नहीं गया। ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारकापुरी में आए हैं और उसके पश्चात में राजा भीष्मक स्वयं द्वारकापुरी पहुंचे हैं, जाकर के रुक्मणी जी का कन्यादान किया है, विवाह संपन्न कराया है, दर्शन करें। रुक्मणी जी द्वारकापुरी में आई हैं और आज अपनी सखियों से कह रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जिसको भी रुक्मणी जी का कन्यादान करना है, आप लोग मंच पर आकर के रुक्मणी जी का कन्यादान कर सकते हैं। आ जाएं, आ जाएंगे और हमारे कमेटी के सभी सदस्य मंच पर आ जाएं और रुक्मणी जी का कन्यादान करें। और जिस किसी को भी हमारी माता बहने जिसको भी कन्यादान लेना है रुक्मणी जी का, आप लोग आकर के कन्यादान करें। बड़े ही भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है, इसलिए आ जाएं। उजड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, ओ हो हो ओ हो हो। उजड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, ओ हो हो।